नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम कैसे हैं आप सब मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल ठीक से होंगे और आपका सारा परिवार बिल्कुल ठीक होगा कल मैंने एक ऑडियो डाली थी ऑडियो क्लिप डाली थी जो मुझे बुद्धल से आई थी एक शख्स है वो एक सीनियर ऑफिसर को जो वहाँ का एक अधिकारी है उसको कॉल करके अपनी परेशानी बता रहा था और सीनियर ऑफिसर ने किस तरीके से बिहेव किया था उसके साथ जी आप सभी लोगों ने उसको सुना है और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि कि आप सभी लोगों ने सुना है और कमेंट्स भी उसके ऊपर किए हैं हमारे इस चैनल का मकसद सिर्फ इतना है कि जो काम एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचते हैं या बड़े चैनल जिन चीज़ों को नहीं दिखाते हैं उन कामों को इस चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक और हिंदुस्तान की सरकार तक पहुंचाया जा सके उसमें आप सब जो है मेरे साथी हैं और सभी लोग आप इसमें साथ भी दे रहे हैं इसमें कोई दोहराई की बात नहीं मगर एक चीज़ मैं आज आपको फिर से कहूँगा कि इस समय पूरा हिंदुस्तान जो है आप सभी लोग जानते हैं कि कितनी परेशानियों कितनी कठिनाइयों से वायरस के कारण जूझ रहा है और हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया जूझ रही है जी आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप सभी लोग टेलीविज़न भी देख रहे हैं सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हैं और रेडियो को भी सभी लोग सुनते हैं लेकिन अगर कोई ऑफिसर इस तरीके से आम आदमी के साथ बिहेव करेगा इस समय तो उस आम आदमी का दिल तो टूटेगा टूटेगा लेकिन जो राहत उस आम आदमी को चाहिए वो भी उस तक किस तरीके से पहुंच पाएगी मैं आप सभी दर्शकों से ही ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि जिससे प्रशासन के कान जो हैं वो खुले आंख प्रशासन की खुले और आम आदमी की बात भी सुनी जाए मैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने उस ऑडियो को सुना और काफ़ी ऑडियो को उस ऑडियो को फैलाया और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ऑफिसर पर कार्रवाई भी ज़रूर होगी लेकिन लास्ट में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आप भी और आप अपने बच्चों के साथ अपने घर के अंदर रहिए बाहर ना निकलिए ताकि आप सेफ रह सकें आपके बच्चे सेफ़ रह सकें और हमारा हिंदुस्तान सेफ़ रह सके